अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे, हमें दुआ में भी याद रखेंगे। आज हम लोग ऑमलेट खाने जाएंगे यहाँ पे KV-1 या KV-2 एयरफोर्स पे जो स्कूल्स हैं उसके सामने। एक जाना है जो अपनी कार्ट लेके खड़े होते हैं वहाँ का। हमने सुना है कि ऑमलेट काफ़ी फेमस है और काफ़ी डिफरेंट स्टाइल से वो बनाते हैं, तो चलिए सीधा वहाँ KV-1 या KV-2 के सामने, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, इंशाल्लाह वहाँ जाके पता चल जाएगा, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ का चल का ऑमलेट ट्राई करते हैं। चलिए चलें। हम लोग यहाँ से हम लोग राइट टर्न करेंगे तो यहाँ से हम लोग राइट टर्न करेंगे, पोलो ग्राउंड आएगा, उससे अपन आगे जाएंगे, तब KV-1 KV-2 स्कूल आएगी, उन दोनों स्कूल में से एक के सामने वो ऑमलेट वाले जो भाई साहब हैं वो खड़े होते हैं। तो चलिए सीधा वहाँ चलते हैं और ऑमलेट ट्राई करते हैं, जो कि सुना है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पोलो ग्राउंड आ चुका है, यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे KV-1 KV-2 स्कूल के उधर और वहाँ पे जाके उनका वीडियो बनाएंगे और ऑमलेट ट्राई करेंगे। देखिए जहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेलते हैं संडे को, ये भी खेल रहे हैं। चलिए KV-1 से हम लोग आगे निकल गए हैं, आगे निकलेंगे तो काफ़ी सारी दुकानें आएगी, वहाँ से अपन जब राइट एक आगे एक जाके एक जब सब दुकानें आएगी वहाँ से अपन राइट की तरफ जाएंगे, तब इनकी कार्ट नहीं इनकी शॉप है यह हमने पता किया है, तो चलिए सीधा उनकी शॉप पे चलते हैं और वहाँ जाके ऑमलेट ट्राई करते हैं। तो ये देखिए इनकी शॉप है, ये इनकी शॉप है, यहाँ पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। चलिए सीधा वहाँ चल के इनसे बात करते हैं, उनसे उसने क्या क्या ऑमलेट। तो जैसे कि हमने कहा था कि आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं KV-1 आगे आएंगे एयरफोर्स एरिया में, तो यहाँ पे हम लोग बिहारी ऑमलेट के नाम से एक शॉप है जो जिनका ऑमलेट काफ़ी फेमस है, तो हम लोग इतना दूर से सिर्फ ऑमलेट खाने के लिए आए हैं। पीछे इनके हमारी शॉप है, उनसे चल के बात भी करते हैं और यहाँ का ऑमलेट भी ट्राई करते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जो कि KV-1 आगे आएंगे तब एयरफोर्स का जो एरिया है वहाँ पर हम लोग इनकी एग्जैक्ट लोकेशन उसमें डाल देंगे, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो ये शॉप इनकी है, कैसे हो भैया? सब ठीक है, हमने काफ़ी नाम सुना है आप जो यहाँ पे ऑमलेट बनाते हैं, आपके यहाँ का बेस्ट ऑमलेट कौन सा है? चीज़ ऑमलेट है और मसाला का भी, मसाला बन ऑमलेट है, तो मसाला बन एक ऑमलेट बनाए और एक फिर हम लोग चीज़ ऑमलेट भी ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ऑमलेट यहाँ पे खाने, मैंने काफ़ी नाम सुना है, तो हम लोग पहले ट्राई करते हैं, फिर हम लोग इनके नंबर भी देंगे, ताकि आप अगर आपको यहाँ पे आना हो तो आप इनके नंबर से फ़ोन भी कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे। पहले हम लोग मसाला ऑमलेट ट्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग चीज़ ऑमलेट ट्राई करेंगे। ठीक है भैया, बनाओ आपने। क्या नाम आपको वैसे? रोहित नाम। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे ऑमलेट बेचते हुए? 45 ईयर्स हो गए। क्या बात है यार, 45 ईयर्स में हम लोग कभी नहीं आए, स्ट्रेंज। चलो हम लोग भैया बनाते हैं और हम लोग बताते हैं। जिसके लिए माहिर हैं, प्याज डाले हैं, टमाटर हैं, अमूल बटर है, इनमें काफ़ी सब कुछ जो भी इंग्रीडियंट यूज़ करें एकदम फ्रेश है। हमने वहाँ का क्लॉक टावर के नीचे जो है वो ऑमलेट वाले उनका भी हमने बनाया, जो 50 टाइप के ऑमलेट सेल करते हैं, वो भी ज़बरदस्त बनाते हैं, लेकिन यहाँ मेरा कभी आना नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने काफ़ी नाम सुना है कि इनके जो ऑमलेट है वो काफ़ी फेमस है, तो बस अभी अपना जो जिस चीज़ के लिए फेमस है वो दो चीज़ हम लोग लेंगे, एक तो चीज़ ऑमलेट ले रहे हैं और एक हम लोग मसाला बन ऑमलेट ले रहे हैं। खुशबू आ रही है मक्खन की, माशाल्लाह। एक तो हमने वहाँ का बनाया था क्लॉक टावर और एक जलरी गेट पे है जो कि अजमेरी के नाम से, वो भी काफ़ी पुरानी शॉप है, वहाँ पे आपको वहाँ भी ऑमलेट अच्छे मिलते हैं। और आज जो बिहारी साहब है उनका हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग है, बन में लोग सर्व करेंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। लाल मिर्ची डाली है, आप यहाँ कब से संभाल रहे हैं? 2013 का है। ये बन भी इसी में डाल रहे हैं, बर्तन में उन्होंने मसाला डाला जिन्होंने भी इसमें भुना था पूरा। ये देखिए आप, ये टाइप का अभी तक तो मैंने कहीं भी जोधपुर में नहीं खाया है, जो ये जिस ढंग से ये बना रहे हैं ये जोधपुर में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मतलब अभी तो मैं टेस्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे ये बना रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जो इन्होंने क्वालिटी जो भी इंग्रीडियंट्स ये यूज़ कर रहे हैं वो टॉप क्वालिटी के हैं। मतलब आपको यहाँ अगर आप आएंगे तो अगर आप क्वालिटी के शौकीन हैं, खाने के शौकीन हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं सामने बन रहा है ना, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ये उनका मसाला बने नहीं, लेकिन
लेकिन अमूल में क्या है कि थोड़ा बहुत सॉल्टी होता है, उससे क्या है कि अमूल का जो सॉल्ट बटर में होता है उसका और टेस्ट वो बढ़ जाता है। डिलीशियस का भी लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो सॉल्टी नहीं होता, अमूल जो बटर होता है वो सॉल्टी होता है, इससे और टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए जब कोई अमूल यूज़ करता है तो उसमें और टेस्ट और बढ़ जाता है, बिकॉज अमूल में पहले से थोड़ा सा नमक होता है। क्या बात है, खुशबू आवत है, खुशबू आवत है रोहित जी। लेकिन इतना 45 साल से आप यहाँ पे हमला, हमारा कभी जाना ही नहीं हुआ यहाँ पे, ये स्ट्रेंज बात है। तो मेरे भाई ने मुझे बताया, राफे जैसे आपको बताइए, राफे भी हमारे साथ वीडियो में शूट करते हैं लेकिन आज वो कॉलेज गए हैं, वरना उनको भी लेके आते। तो राफे ने हमको ये सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे आके, वो साथ ही आ रहे थे लेकिन आज वो कॉलेज में बिजी है, तो कोई बात नहीं हम लोग आ गए। बस रेडी होने वाला है, हम लोग इसको ट्राई करेंगे। क्या बात है यार, जबरदस्त। सीरियसली मैंने ऐसा अभी तक तो ये जो बना रहे हैं मैंने ऐसा कहीं भी ट्राई नहीं किया है। क्या बात है रोहित जी, जबरदस्त। ये कौन सा वाला रोहित जी? ये मसाला बन, ये मसाला बन ऑमलेट तैयार है। अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद में फिर जो दूसरा मैंने बताया वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। पहले ये हम लोग ट्राई कर लें, कट कर लें, एक मिनट पहले फोटो खींच लो। तैयार, बस इसको वहाँ बैठ के ट्राई करेंगे फिर आपसे बात करेंगे। तो बस हमारा ये मसाला बन ऑमलेट तैयार है, देखिए अब इन्होंने एकदम डिफरेंट स्टाइल का ऑमलेट बनाया जो कि आपको जोधपुर में कहीं नहीं मिलने वाला है। हम इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, सब जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो एकदम सुपीरियर क्वालिटी का, स्पेशली जो बन है ना वो एकदम सॉफ्ट है। कहीं भी अगर आप बन खाते हैं तो एकदम थोड़ा बहुत सॉफ्ट वो बिखरता है, ये बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है। और वाकई में ज़बरदस्त बनाया इन्होंने, रोहित जी ने बहुत ज़बरदस्त ऑमलेट बनाया। और सबसे बड़ी बात जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं ये फिनिश करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक और ऑमलेट ट्राई करेंगे जो कि इनका चीज़ ऑमलेट है, वो ट्राई करेंगे। और इनकी जो लोकेशन है वो मैं इनसे एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा, लेकिन अपन KV1 से जब अपन सीधा आगे की तरफ आएंगे तो एक चौराहा आएगा, चौराहे से जब आप वापस राइट की तरफ लेंगे तो 10-12 दुकानें छोड़ गई है। तो इनके नंबर भी हम लोग डाल देंगे ताकि आप इनसे आराम से बात भी कर सकें। चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर कर लिया है, इतना ज़बरदस्त था माशाल्लाह कि मज़ा आ गया। सबसे बड़ी बात जो बन थे वो एकदम सॉफ्ट थे। तो अगर आप ऑमलेट के शौकीन हैं तो अभी तो हमने मसाला ऑमलेट ट्राई किया और उसमें इतनी चीज़ थी तो बताने चीज़ ऑमलेट में कितनी चीज़ होगी। ये क्यों इनके कोई कस्टमर है उनके ये एग भुर्जी बना रहे हैं, तो अगर आपको एग भुर्जी भी यहाँ ट्राई करनी तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नंबर आएगा, हम लोग चीज़ ऑमलेट ट्राई करेंगे। तो देखते हैं जब मसाला में इतनी चीज़ थी तो बताएं चीज़ ऑमलेट में कितनी चीज़ होगी। तो बस हम लोग वेट करते हैं भैया, अभी जो रोहित जी हैं वो एग भुर्जी बना रहे हैं। और एग भुर्जी की भी शौकीन बहुत हैं जोधपुर में, जैसे हमारे शराब क्लब पे जब लोग आते हैं तो उनको एग करी और एग भुर्जी काफ़ी पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे भी आप आके ट्राई करें, पर मैं प्रेफर करूँगा अभी तो चीज़ भी ट्राई करेंगे लेकिन मसाला बन ऑमलेट ज़बरदस्त था। रोहित जी से मैं एड्रेस पूछा था तो इन्होंने रोहित जी ने मुझे बताया कि ये लोग गूगल मैप पे भी हैं बिहारी पान के नाम से, तो वो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इनकी जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगा ताकि आपको ना कोई फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ेगी, सीधा आप नेविगेट भी कर सकते हैं, फिर भी फ़ोन नंबर इनके डाल देंगे। तो बस हम लोगों ने मसाला बन ऑमलेट ट्राई किया, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हमारा चीज़ ऑमलेट बन रहा है, मसाला में काफ़ी चीज़ थी, आप देखते हैं कैसे इसमें कितनी चीज़ होती है। अभी वैसे मैं डाइटिंग में था लेकिन अब जब ये शूट करेंगे तो क्या डाइटिंग, तभी तो मैंने वीडियोज अभी कम कर दिए, पहले मैं रोज़ वीडियो डालते, अभी वीक में एक दो वीडियो हम लोग डालते हैं जस्ट बिकॉज हमें डाइटिंग में खाना भी खाएंगे और हमारा वेट भी मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, सेहत है तो सब कुछ है, सिंपल सी बात है, लाइफ इज़ ए गिफ्ट, तो पूरा ध्यान रखें। और जैसे रोहित जी और अभी यहाँ पे 2-3 जन और हमें मिले वो कह रहे थे कि यहाँ पे इतना रश पड़ता है रात को कि 12-13 गाड़ी तो हमेशा खड़ी रहती है। हम लोग दोपहर में इसलिए आते हैं कि आराम से शूट कर सकें, इनसे बात भी कर सकते हैं। यूजुअली मैं दोपहर में शूट करता हूँ ताकि आप आराम से दे सकें, रात में रश होता है तो इनको भी टाइम नहीं होता, मज़ा भी नहीं आता शूट करने का। तो बस हम लोग ट्राई करें, अगर आपको आराम से खाना है तो आप दोपहर में आएँ, रात को खाना है, रश देखना है, क्राउड देखना है तो आप रात को आएँ।
मेरा चीज़ ऑमलेट तैयार हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्वालिटी और जो इंग्रेडिएंट्स है वो एकदम टॉप क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी के हैं। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बात वो होती है। अब लोग सेल तो काफ़ी देते हैं लेकिन जब चलने लगता है तो क्वालिटी थोड़ा डिक्रीज करते हैं, लेकिन 45 साल से ये लोग हैं और आदमी दूर दूर से, जैसे हम लोग भी इतना दूर से आए हैं तो वही बात होती है। क्वालिटी आप कहीं भी सर्व करेंगे, आदमी कहीं भी हो गया आप आएगा। ये हमारा चलिए हम लोग अब ये भी ट्राई करते हैं। सब पहले सबसे पहले हम लोग ट्राई किया था जो मसाला चीज़ बना ऑमलेट था, अब ये लोग हम लोग चीज़ हम लोग ट्राई करें, फिर उसको ट्राई करते हैं। ये भी सिंपल चीज़ ऑमलेट है माशाल्लाह, ये भी ज़बरदस्त है, लेकिन जो बन जो मसाला बन ऑमलेट था ना वो आपको जोधपुर में कहीं नहीं मिलने वाला है। चीज़ ऑमलेट और ये तो आपको कहीं मिल जाएगा, लेकिन दोनों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो सुपीरियर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो एकदम अपने को साफ जब टेस्ट करते तो आते हैं, लेकिन मसाला बन आपको जोधपुर में कहीं नहीं मिलने वाला है। ये मैं ख़त्म पूरा ख़त्म करता हूँ, उसके बाद में जाके हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे बात। तो बस हम लोगों ने ऑमलेट दोनों ट्राई कर लिए माशाल्लाह, बहुत ही दोनों बहुत ज़बरदस्त है। अब बिहारी जी ने कहा चलो चाय भी लेते हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ पे चाय भी बनाते हैं, तो हम लोग चाय के भी ट्राई करते हैं, उसका भी रिव्यू करते हैं चाय का भी। चाय भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है, चाय भी मतलब ऑमलेट के बाद में आपको चाय मिल जाए तो फिर आपको और क्या चाहिए। तो चलिए हम लोग चाय भी ख़त्म करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कितना पेमेंट हुआ है और चल के वीडियो ख़त्म करेंगे। दो टाइप के ऑमलेट ट्राई किए, एक तो मसाला बन ऑमलेट और एक चीज़ ऑमलेट ट्राई किया, बहुत मज़ा आया रोहित जी, काफ़ी अच्छा लगा। और एक और इन्होंने मुझे पहले बताया नहीं, ये लोग घेवर ऑमलेट भी सर्व करते हैं। घेवर में क्या होता है? हाफ रहे हो तो वो हमने अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। चाय भी बहुत ज़बरदस्त थी। कितने हो गए रोहित जी? वैसे अगर मसाला बन की बात करेंगे वो कितने का? 120 का। और ये जो चीज़ ऑमलेट है वो 80। और जो ये आपने जो घेवर वाला बताया वो 90 का। तो हम लोगों ने दो चीज़ ली है और चाय भी ली है, टोटल कितना हो गया? 220। डाल देंगे ताकि आप इनका नेविगेट भी कर सकें, नंबर भी वहाँ पे डाल देंगे। लेकिन आपको अगर ऑमलेट अच्छा डिफरेंट ट्राई करना है तो यहाँ पे आपको बाटी ऑमलेट पे ज़रूर आना चाहिए। इनकी चाय की दुकान भी, पान की शॉप भी है, तो सब कुछ रोजी सारा काम करें एक साथ। ठीक ठीक रोजी चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बस हम लोग यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। और हाँ, आप शराब टॉक्स को देखते रहें क्योंकि हमको लोग नई नई जगह लेके आ रहे हैं। और हाँ, एक और बात, खाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। चलिए यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।